गुड इवनिंग एचवेन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। एचवेन, जो भी बच्चे त्रिपल सी जून जुलाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को आप जरूर देख लें। एचवेन, सभी क्लासेज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी क्लासेज हो रही है, सभी क्लासेज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच की क्लासेज आप देख रहे हैं या आज की क्लास आप देख रहे हैं पहली बार, तो आप सभी प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए। एचवेन, आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे अगर आप सभी क्लासेज को प्रैक्टिस करते हैं। तो एचवेन, ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी के लिए सबसे ज्यादा आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। और आज की क्लास डे नंबर 14 है, और इससे पहले हमने 13 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है। और जो भी बच्चे जून की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है एचवेन, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 27 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, लगातार क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। और रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है, किसी कारण हमारा कल क्लास नहीं हो पाया था, तो कल की क्लास के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन एचवेन, हमारी क्लासेज जो है वो रेगुलर आपके 8 बजे ही होती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी, आप 9458009461 पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा। एचवेन, तो जल्दी से आपसे बच्चे क्लास से जुड़िए। अगर आप चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो पीडीएफ से पाने के लिए आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक का। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं, जिससे आप अपना तैयारी कर सकते हैं ट्रिपल सी एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम के श्रेणी में आता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऊपर के सभी। ठीक है एचवेन, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा एचवेन, अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर टू है, एक समय पर अधिकतम ईमेल की संख्या को मिटाया जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी डिलीटेड एट वन टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मल्टीपल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े एचवेन, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है आमतौर पर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, आप सभी बच्चों को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, कीबोर्ड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ पढ़ा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लूटूथ क्या है, व्हाट इज ब्लूटूथ। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ा है, अगला क्वेश्चन है मैकदूत स्कीम क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। मेघदूत स्कीम क्या है, मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है, व्हाट इज मेघदूत स्कीम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मोबाइल ऐप। मेघदूत जो स्कीम है स्टूडेंट आपका क्या हो जाता है, मोबाइल ऐप। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आप सभी बच्चों को बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आप सभी बच्चों को बताना है, व्हाट डज द ऑपरेटिंग सिस्टम डू। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यह हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है पावर स्टेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए सॉफ्टवेयर कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। सभी क्वेश्चन को आपको राइट ऑप्शन को लाइव चैट में बताइए, और आप सभी क्वेश्चंस को भी केयरफुली पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए एचवेन। ठीक है, बताना आप सभी को क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, कंट्रोल प्लस पी। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ पढ़ा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जा सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन नेटवर्क टोपोलॉजी, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मदरबोर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है एआई में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है डिजिटल
सिग्नल के एनालॉग में परिवर्तित कौन बनाता है? आप सभी बच्चों को बताना है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कौन बनाता है। तो व्हाट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है मॉडेम। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ाए। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है। आप सभी बच्चों को बताना है एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 80 होता है। ठीक है अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फोन पे क्या है। आप सभी बच्चों को बताना है फोन पे क्या है। व्हाट इज फोन पे। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी। एप्लीकेशन है या मोबाइल वॉलेट है या डिजिटल वॉलेट है या ऑल है। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि फोन पे जो है एक एप्लीकेशन भी है, दूसरा आपका मोबाइल वैलेट भी है और तीसरा आपका डिजिटल वैलेट भी है। ठीक है तो तीनों में से आपका तीनों है इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है तो आई होप आप समझ गया होंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है एनईएफटी की स्थापना किस सन में की गई थी। एनईएफटी की स्थापना किस सन में की गई थी आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। एनईएफटी की स्थापना 2005 में की गई थी स्टूडेंट। ठीक है अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है डीएनएस क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है व्हाट इज डीएनएस। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है। व्हाट इज डीएनएस। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है डिजिटल लॉकर में अनिवार्य होता है। डिजिटल लॉकर में अनिवार्य होता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आधार कार्ड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंडेटरी होता है स्टूडेंट डिजिटल लॉकर के लिए। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क फोन का डिफॉल्ट साइज कितना होता है। बताइए आप सभी लिब्रे ऑफिस कैल्क फोन का डिफॉल्ट साइज कितना होता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 10 होता है स्टूडेंट। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है इथरनेट कहाँ प्रयोग होता है। आप सभी बच्चे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इथरनेट कहाँ प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए है इंटरनेट का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर जो बी है लैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर सी है मैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर डी है वैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है लैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है क्या इथरनेट। ओके अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े श्वेन। अगला क्वेश्चन है शहरी में किस प्रकार का इंटरनेट उपयोग किया जाता है। शहरों में किस प्रकार का नेटवर्क इंटरनेट उपयोग किया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मैन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आप सभी बच्चों को बताना है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े श्वेन। अगला क्वेश्चन है उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं जिस पर क्लिक करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है हाइपरलिंक। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। विंडो 10 में डेट और टाइम ना हो तो किस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डेट और टाइम ला सकते हैं। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्लॉक आइकन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। ओटीपी पिन कितने डिजिट का होता है। आप सभी बच्चों को बताना है ओटीपी पिन कितने डिजिट का होता है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी ओटीपी पिन कितने डिजिट का होता है आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 4 और 6 डिजिट का आपका ओटीपी पिन होता है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका मेल किससे संबंधित है। मेल किससे संबंधित है आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए आप सभी। बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है SMTP। ठीक है अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है। व्हाट इज इनक्रेडिबल इंडिया स्कीम रिलेटेड टू। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टूरिज्म। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ना है। बिजली का बिल मैनुअली पे ना करके स्वचालित पे करना पसंद करते हैं क्योंकि। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी से बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे।
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, समय से पहले हो जाए और कोई लेट फीस ना भरनी पड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन में जो 26 है अश्विन, क्या हो गया? स्टूडेंट अभी जो सिस्टम है थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा नेटवर्क की इश्यू हो गई है स्टूडेंट, जिसके कारण कि ये सिस्टम थोड़ा समस्या क्रिएट कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की समस्या ना हो क्लासेज में, जिससे कि आप सभी को प्रॉब्लम हो रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इस तरीके की कंडीशन नहीं होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ने जो भी बच्चे हमसे क्लास से जुड़े हुए थे, आप सभी बच्चे क्लास से वो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए, तो कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।